गुड मॉर्निंग। क्या है ये? कॉफी? कचरा है ये, कचरा। कॉफी माय फुट। कॉफी इन डिस्पोजेबल कप्स इज अ सैक्रिलेज। डू यू हैव एनी आइडिया कि इस तरह के कितने कप्स हर साल कचरे में फेंके जाते? 1600 करोड़। यस, लेट दैट सिंक इन मारिनी, 1600 करोड़। और उसके बाद बकवास करते हैं, सेव द प्लैनेट। अगली बार अगर मैंने तुम्हें इन डिस्पोजेबल कप्स के साथ देखा ना, तो समझ लेना द शॉप इज क्लोज्ड। प्लीज मूव। इसे कहते हैं कॉफी, हैंड पिक्ड कॉफी बीन्स, होम रोस्टेड, फ्रेशली ग्राउंड बाय योर्स ट्रूली, इन सेरामिक मग्स, वॉशेबल, रीयूजेबल फॉर लाइफ टाइम। एक तो यार यू वॉल्ड्स इनटू माय हाउस, दैट टू विद कॉफी इन डिस्पोजेबल कप्स। मेरी हॉस्पिटैलिटी की इतनी तोहिन भी मत करो। अब थैंक यू। यू वेलकम। मीट बाबूजी, एके रामलाल जैन, इंडिया के सबसे बड़े सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क का बॉस। मड आइलैंड के एक फार्म हाउस में इनकी डेड बॉडी मिली, शॉट विद सिंगल .22 मैग्नम बुलेट स्ट्रेट टू हिज हेड। उनकी डेड बॉडी के आसपास पिल्स ही पिल्स थी, एक्सटेसी, एमडीएमए पिल्स, और एकदम प्योर। इनसे ज्यादा पोटेंट पिल्स सर्कुलेशन में देखी नहीं गई। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वेबसाइट पे किसी ने एक एनोनिमस टिप छोड़ी थी। विद इन मिनट्स एनसीबी रेडेड दिस प्लेस। 70 किलो पिल्स मिली, जिनका एस्टिमेटेड इंटरनेशनल वैल्यू 70 करोड़। इंडियाज बिगेस्ट सिंथेटिक ड्रग सीजर। क्राइम सीन पे रईस कुरैशी वाज कॉट रेड हैंडेड, और इन दिस केस ब्लू हैंडेड। जब इसे कस्टडी में लिया गया तो ये बार बार यही कहता रहा कि इसने मर्डर नहीं किया है। बट सिंस मर्डर इज इन्वॉल्व, एनसीबी वॉन्टेड अस टू इन्वेस्टिगेट। कमरे में बाकी रैप्ड फर्नीचर के साथ एक ब्रांड न्यू सोफा भी था। इस सोफे का प्लास्टिक और सोफा दोनों एक साइड से फटे हुए थे, बट इट वॉज स्पॉटलेस। सोफे के प्लास्टिक पे खून का एक छींटा तक नहीं। एनसीबी को इस सोफे के अंदर और भी पिल्स मिली, और एक फुली लोडेड AK-47। एनसीबी को एमडीएमए रैकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड बाबूजी की तलाश थी, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि ये बाबूजी इंदौर के एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन रामलाल जैन निकलेंगे, जिनके पास दवाइयां एक्सपोर्ट करने का गवर्नमेंट लाइसेंस था और फ्रंट के लिए फर्नीचर फैक्ट्री। हमने बंगले के फ्रंट सीसीटीवी फुटेज से चार सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है। राहुल गर्ग मलाड़ के एक कॉल सेंटर में सुपरवाइजर का काम करता है। संजना रॉय, विडो ऑफ अ फैशन डिजाइनर। रोहित राव हैदराबाद में इसकी एक दवाइयों की कंपनी है। और रईस कुरैशी अ गैंगस्टर। आर्म सिक्योरिटी गार्ड्स हर एक विजिटर को थरली चेक कर रहे थे। कोई भी वेपन अंदर ले जाना अलाउड नहीं था अकॉर्डिंग टू बाबूजी स्ट्रिक्ट पॉलिसी, लेकिन फिर भी किसी भी गार्ड ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। ये गन? हाँ सर, नॉट रिसेंटली फायर्ड, सो ये उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लुक्स लाइक अ क्लोज रेंज शॉट, बट इट्स स्ट्रेंज मार्किंग। .22 मैग्नम बड़ी राइफल में यूज होती है, बड़ी राइफल को इतनी क्लोज रेंज शूटिंग के लिए इस्तेमाल करना कुछ अटपटा है। आर यू श्योर एनसीबी को कमरे से कोई दूसरी गन और कोई मर्डर वेपन कुछ नहीं मिला? चारों सस्पेक्ट्स का सिक्योरिटी चेक हुआ था, किसी के पास भी कोई वेपन नहीं था। दिखाओ इंटरोगेशन। हाँ सर। राहुल गर्ग मलाड़ के एक कॉल सेंटर में सुपरवाइजर है और ड्रग पेडलर भी। इसके व्हाट्सएप पे हमें 10 क्लोज्ड यूजर ग्रुप्स मिले। इस क्लाइंटेल इंक्लूड्स टीवी एक्टर्स, डायरेक्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, कॉल सेंटर वर्कर्स। मर्डर के 2 दिन पहले से ये बंगले के पास एक कैफे में आकर बैठा है। आई गॉट इनटू दिस बिजनेस बाय एक्सीडेंट। आई स्वेयर आई एम नॉट अ क्रिमिनल। पिछले कुछ दिनों से माल ठीक नहीं आ रहा था। इनफैक्ट वन ऑफ माय फ्रेंड डाइड। मैंने सप्लायर से कंप्लेंट की तो एक दिन बाबूजी का कॉल आया। उन्होंने मुझे मिलने के लिए बोला, तो मैं गया। मेरी फटी पड़ी थी मैम। सबसे सुना था कि बाबूजी बहुत डेडली आदमी है, इसलिए छानबीन करने के लिए गया था मैं उधर। पहली बार जा रहा था तो आई कैरीड अ चॉकलेट बॉक्स फॉर हिम। मैंने जोर जोर से दरवाजा नॉक किया, अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। मैं काफी देर तक वेट किया, सोचा वापस जाऊं, तभी बाबूजी ने दरवाजा खोला।
तुम्हारे दोस्त के साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। एक डील करते हैं, मैं तुम्हें 1 किलो पिल्स फ्री ऑफ चार्ज देता हूँ, ए ग्रेट क्वालिटी का। अरे कॉम्पनसेशन ही समझ लो इसे, अब आगे से माल में कोई कंप्लेन नहीं आएगी। जा। वहाँ पे एक लेडी भी थी, वो सोफे से कुछ निकाल रही थी, फिर मैं वहाँ से चला गया, पर वो लेडी वहीं थी। झूठ बोल रही है, बाबूजी ने इसे नहीं बुलाया था, इसने बाबूजी को कांटेक्ट किया था। इसने तो अपनी मैसेज हिस्ट्री डिलीट कर दी, लेकिन NCB को बाबूजी के फोन पे राहुल का मैसेज मिला। सर उसने ये मैसेज किया था, इफ यू डोंट मीट मी आई विल हैव नो ऑप्शन बट टू गो टू द पुलिस। लाई वंस लूज योर क्रेडिबिलिटी फॉरएवर। ये झूठ तो पकड़ा गया, maybe this is not the only thing he's lying about, this is the only thing you caught him lying about. ऊपर से ये बंगले के आसपास मंडरा रहा था 2 दिनों से, मर्डर से पहले इसने गन वहां प्लांट कर दी। एनीवे नेक्स्ट। संजना रॉय इंफोसिस में आईटी प्रोफेशनल थी। 1.5 साल पहले एक फैशन डिजाइनर निरंजन रॉय से इसकी शादी हुई थी। फैशन डिजाइनिंग के चक्कर में निरंजन का शहर के बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना होता था। सून ही वॉज सेलिंग देम MDMA पिल्स, LSD ब्लॉट्स, बाबूजी के लिए काम करता था। दिस वॉज अ वेरी प्रॉफिटेबल रैकेट फॉर हिम। 6 महीने पहले निरंजन की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। संजना हैड जस्ट गिवन बर्थ एट दैट टाइम। संजना का मानना है कि इस कार एक्सीडेंट के पीछे बाबूजी का हाथ। जब ये बंगलों पर पहुंची थी तब इसका भी सिक्योरिटी चेक हुआ था। बाबूजी के नेटवर्क में कोई तो था जो NCB को इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। बाबूजी को लगा कि वो निरंजन है और उन्होंने उसका, अब जाकर उनका शक दूर हुआ था। बट नाउ निरंजन इज गॉन। ऑनेस्टली यस, आई थॉट ऑफ किलिंग हिम अ नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन मुझे तो गन पकड़ना तक नहीं आता, चलाना तो बहुत दूर की बात है। अभी 2-3 दिन पहले फोन आया था बाबूजी का, वो मुझसे मिलना चाहते थे, मेरे आगे कुछ पैसे फेंक कर, he wanted to get rid of his guilt. ये लो, मेरे लीगल बिजनेस का पैसा है। सोच क्या रही हो, दोबारा तुम्हें और कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अपोलोजाइज तक नहीं किया उन्होंने, नॉट इवन अ लिटिल सॉरी। हाँ, आई टुक द ड्राफ्ट होम क्योंकि बाबूजी को मना करना, मतलब आई डिडंट वांट माय सन टू बी अ कंप्लीट ऑफन। सोफे का प्लास्टिक, नहीं मैं उससे कुछ नहीं निकाल रही थी, वो तो माय सन हैड पीट, तो मैं बस साफ करने की कोशिश कर रही थी। दरवाजे पर कोई आया था बाबूजी से मिलने के लिए, वो वहां गए और उस वक्त मैं वहां से निकल गई। राहुल ने क्या कहा था? जब वो वहां से निकला तब कोई लड़की कमरे में सोफे के पास खड़ी थी, विच मीन्स संजना। और संजना का कहना है कि जब बाबूजी राहुल से बात कर रहे थे वो वहां से निकल गई थी। इन दोनों के एग्जिट का CCTV फुटेज है? यस सर। बंगले के मेन गेट से दोनों ऑलमोस्ट साथ में बाहर निकले थे 12:50 पे। मैंने पूछा भी था संजना से। आप मुझसे ये पूछ रही हैं कि उस आदमी के आने पर अगर मैं वहां से निकल गई थी तो हम दोनों के दोनों एक वक्त पर बंगलों के मेन गेट से बाहर कैसे निकले? बिकॉज आई वॉज इन द वॉशरूम, माई बेबी हैड क्रैप, तो मैं उसका डायपर चेंज करने गई थी। आपको देखना है तो आप जाकर चेक कर सकती हैं। आई एम श्योर दैट डायपर मस्ट स्टिल बी इन द बिन। सही बोल रही है सर, जाने से पहले वॉशरूम में गई थी, हमें डायपर मिला बिन में। जिस आदमी ने इसके हस्बैंड को मरवाया उससे इसने सिर्फ पैसे लिए और निकल गई। डोंट यू थिंक शी शुड हैव रिएक्टेड मच मोर स्ट्रांगली? सर हो सकता है 1 करोड़ को मना करना शायद मुश्किल हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट। रोहित राव, इसका हैदराबाद में खुद का एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां ये MDMA पिल्स बनाता है। बाबूजी को भी पिल्स यही सप्लाई किया करता था। बाबूजी के कमरे में जिस सोफे में हमें पिल्स मिली वो भी इसी ने भिजवाई थी। यही मोडस ऑपरेंडी था इसका। सोफे में पिल्स छुपा के ये बाबूजी को शिप किया करता था फ्रॉम हैदराबाद टू मुंबई, और फिर मुंबई से इंदौर बाबूजी के पास यही पिल्स को पहुंचाया जाता था। ही वॉज बोर्डिंग अ फ्लाइट टू बैंकॉक जब हमने इसे पकड़ लिया। बाबूजी
थोड़ा ओल्ड फैशन था। एक्सटेसी में क्वालिटी कंट्रोल चाहिए था। वो हर बैच का टेस्ट करने का डिमांड कर रहा था। पिछला पूरा महीने का बिल्स वो डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इतना नुकसान कौन झेलेगा? आई जस्ट वॉन्टेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम हिम। आई डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क विद हिम, इसलिए मैं कुरैशी के साथ डील किया। बाबूजी इस वास्ते ही मुंबई आया था, ये सब कुछ सॉर्ट आउट करने का वास्ते। कुरैशी बोला बाबूजी को रास्ते से साफ करने का है। वो ही जबरदस्ती अब AK-47 डाला सोफा के अंदर पिल्स के साथ। वो बोला वो बाबूजी से मिलेगा और आगे का सब कुछ देख लेगा। पर जब मैं अंदर पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि वो ऑलरेडी मर चुका था। आई जस्ट पैनिक एंड आई रैन अवे फ्रॉम देयर। मैं भाग गया वहां से। बास्टर्ड कुरैशी। हमारा बात हुआ था कि मेरा बैंकॉक का फ्लाइट मैं बोर्ड करने के बाद वो सब कुछ करेगा, पर मैं समझ गया था कि अभी सब कुछ ओवर। ये खुद एडमिट कर रहा है कि बाबूजी को मारने का प्लान था। इनफैक्ट AK-47 भी इसने कुरैशी के कहने पे प्लांट की थी। इट्स जस्ट दैट कुरैशी जंप द गन। अच्छा ये बताओ, ये कुरैशी बाबूजी से मिलने रोहित से पहले आया था या उसके बाद? संजना रॉय 12:30 पे वहां पहुंची थी, फिर उसके 5 मिनट बाद 12:35 पे राहुल गर्ग, उसके 5 मिनट बाद 12:40 पे रईस कुरैशी वहां आया, 12:50 पे संजना और राहुल ऑलमोस्ट दोनों साथ में बाहर निकले थे वहां से, और फिर 5 मिनट बाद 12:55 पे रोहित राव आया और 1 बजे वहां से निकल गया। दिस मींस के जब रोहित बाबूजी से मिलने गया तो कुरैशी प्रेमिसेस में ही था। सर एनसीबी ने पकड़ लिया था उसे। रईस कुरैशी हाल ही में येरवाड़ा जेल से छूटा था। एस गैंग का लेफ्टिनेंट था। मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में भी हाथ था इसका। एंड नाउ ही वांटेड टू मसल इनटू द एमडीएमए बिजनेस। इंटरेस्टिंग। इंटरोगेशन दिखाओ इसका। अब उनको ये एमडीएम क्या होता नहीं मालूम। अब उनको राव ने बोला कि उसका एक आदमी के साथ सेटिंग है, वो कुछ दवाई का सप्लाई करता है। अपन गया था उसके पास काम मांगने, और तुम लोग मेरे ऊपर ही मर्डर का चार्ज थोप लेगा। मेरे को कैसे पता होगा कि उधर कौन रामलाल जैन है या फिर वो बाबा जी? न्यू चैप्टर शुरू करने का था अपने को जेल से बाहर निकल कर। अम्मी को प्रॉमिस किया था मैंने, तो गया बाबू जी से मिलने। बारह बचपन पे अम्मी का फोन आया मेरे को, तो उसको मेरे बारे में रिपोर्ट मांगता है कि मैं किधर है, किधर कांड मस्ती कर रहा है सब। 25 मिनट तक हमारी बात हुई, तब जाकर फोन रखा, फिर अंदर गया मैं। राव ने मेरे को चुमो बनाया, रामलाल को टपका कर उसका मर्डर मेरे को चिपकाया। अपन को कैसे मालूम होगा कि किसने सोफे के अंदर क्या डाला? अपन ने किसी को नहीं बोला कि वो लंबी AK-47 लेकर अंदर डालने को, ना वो बोला कि किसी को मारने का है। झूठ बोलता है साला, मेरे को फंसाने के वास्ते। जो आदमी मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल था, वो ब्लास्ट जिनमें 250 से ज्यादा लोगों की जान गई, वो शख्स हमें ये यकीन दिलवाना चाहता है कि वो खून नहीं कर सकता है क्योंकि वो बदल चुका है। He could be lying. मुझे माँ का फोन आया था, प्रीप्लांड हो सकता है। फोन आया, इसने ऑन करके जेब में रख लिया फोन को, ताकि हमें ये कह सके कि मैं बंगलो के प्रीमाइसेस में तो था, लेकिन बंगलो के अंदर दाखिल हुआ 25 मिनट बाद, क्योंकि मैं फोन पर बिजी था। और जब तक मैं वहां पहुंचा, तब तक रोहित बाबूजी को मारकर वहां से भाग चुका था इसे फंसाने के लिए, जबकि ये खुद रोहित के आने से पहले प्रीमाइसेस में था। एंड ही हैड ऑल द टाइम टू किल बाबूजी एंड फ्रेम रोहित। इस केस में दो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहला, इतनी हैवी सिक्योरिटी के बावजूद कातिल हथियार लेकर बंगलों में दाखिल कैसे हुआ? और दूसरा, 0.22 मैग्नम, यानी इतने बड़े बोर की गोली चलने की आवाज किसी को भी सुनाई क्यों नहीं थी? सो कौन है रामलाल जैन उर्फ बाबूजी का कातिल? राहुल गर्ग, जिसका दोस्त जहरीली एमडीएमए की वजह से मारा गया, या फिर संजना रॉय, जिसके पति को बाबूजी ने मरवा दिया, या फिर रोहित राव, एमडीएमए मैन्युफैक्चरर जो अब बाबूजी के शिकंजे से छूटना चाहता था, या फिर गैंगस्टर रईस कुरैशी जो जबरन एमडीएमए के बिजनेस में घुसना चाह रहा था? कौन? एक्चुअली इस केस में इंपॉर्टेंट सवाल तीन है, और तीसरा सवाल यह है कि विद इन मिनट्स ऑफ मर्डर एनसीबी सीन ऑफ क्राइम पर कैसे पहुंच गई? उनकी वेबसाइट पर एनोनिमस टिप छोड़ी गई थी। मतलब बाहर खड़े गार्ड तक को मालूम नहीं था अंदर क्या हुआ है, पर एनसीबी को पता चल गया कि अंदर बाबूजी का मर्डर हुआ है, उस शख्स का
जिसकी तस्वीर तक उनके पास नहीं थी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मर्डरर ने वो एनोनिमस टिप छोड़ी थी? नाउ यू आर टॉकिंग। तो अब इससे एक और सवाल उठता है, वो ये कि एक मिनट, कि मर्डर हुआ है तो पुलिस को खबर देनी चाहिए ना, एनसीबी को ही क्यों? क्योंकि मर्डरर बाबूजी को नहीं, उस 70 किलो के एमडीएम कंसाइनमेंट को पकड़वाना चाहता था। देखा लबको, इसे कहते हैं ब्रिलियंट डिडक्शन। दिस रूल्स आउट टू ऑफ आवर सस्पेक्ट्स। नंबर वन, एमडीएमए मैन्युफैक्चरर रोहित राव, जो इस बिजनेस से जुड़ा हुआ था, और दूसरा जो जबरदस्ती इस बिजनेस में घुसना चाह रहा था, रईस कुरैशी। तो ये ड्रग्स के बारे में एनसीबी को नहीं बताते, hence they are not the murderers। अब बचे कौन? संजना रॉय और राहुल गर्ग। मजे की बात ये है कि ये दोनों ही आईटी प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि ये दोनों एनसीबी की वेबसाइट पर एक अनोनिमस अनट्रेसेबल टिप छोड़ सकते थे। राहुल का कहना है कि जब वो निकला तब संजना कमरे में थी सोफे के पास, और संजना कहती है कि जब राहुल बात कर रहा था वो ऑलरेडी निकल चुकी थी। 50-50। I'll go with Rahul. Go? I'll go with Sanjana. तुम्हें क्यों लगता है कि संजना नहीं हो सकती? Just because she looks vulnerable. विधवा है बेचारी, अभी-अभी माँ बनी है, इसलिए नहीं कर सकती। Never empathize with your suspects. Leads to wrong conclusions. Don't fall in the trap. Anyway, सवाल नंबर तीन का जवाब मिल गया। तो रिवर्स ऑर्डर में चलते हुए अब सवाल नंबर दो पर चलते हैं कि 0.22, यानी कि इतने बड़े बोर की गोली चली और किसी को आवाज सुनाई नहीं दी। How strange. But you know what is even stranger? ये बड़ी सी गोली एक बड़ी सी राइफल में तो डाली ही जाती है, साथ ही साथ एक बड़ी छोटी सी पिस्टल में भी लोड होती है, जिसका नाम है फ्रीडम 0.22 मैग्नम रिम फायर पिस्टल। छोटी सी बैरल है, इसलिए गोली चलने की आवाज बहुत कम होती है, यानी अगर बंद कमरे में गोली चले तो बाहर शायद ही किसी को सुनाई दे। दूसरी खासियत यह है कि छोटी बैरल होने की वजह से गोली को वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस चाहिए होता है, यानी पास से चलाओ तो इफेक्टिव नहीं होगी, कम से कम 10-12 फीट दूर से चलानी पड़ेगी, यानी निशाना चूकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसी पिस्टल मैंने इस केस में कहीं देखी है, इस बेल्ट के बकल में, बड़ा ही डिजाइनर किस्म का बकल है। और इस तस्वीर में ये बेल्ट किसने पहनी हुई है? निरंजन रॉय। वो कौन था? संजना का हस्बैंड। संजना इज योर मर्डरर, और ये रहा तुम्हारा मर्डर वेपन। बचा सवाल नंबर एक, कि मर्डर वेपन अंदर कैसे आया? करेक्ट, सिक्योरिटी गार्ड ने पहले संजना को स्कैन किया, पर मेटल डिटेक्टर से कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि तब तक गन संजना के पास नहीं थी। इसके बाद संजना ने अपने बच्चे को उठाया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बच्चे को स्कैन कर पाता इससे पहले ही बच्चा अचानक रो पड़ा। नहीं, बच्चे को रुला दिया गया, क्योंकि अगर उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड बच्चे को स्कैन करता तो मेटल डिटेक्टर से बहुत तेज आवाज आती, क्योंकि गन बच्चे के कपड़ों में छिपा कर लाई थी। फिर बच्चे को दूध पिलाने के बहाने संजना ने अपनी पीठ सिक्योरिटी गार्ड की तरफ की, और उसी दौरान गन बच्चे के कपड़ों से निकाल कर अपनी क्लीवेज में छिपा ली। उसके बाद बच्चा भी एकदम क्लीन और स्ट्रोलर भी एकदम क्लीन। That's how she smuggled the murder weapon in. बाबूजी, चलती हूँ। पति के कत्ल का बदला लेने आई थी। बाबूजी, राहुल के जाने के फौरन बाद उसने बाबूजी को मार दिया होगा, एंड टू क्रिएट एन एलिबाई वो सॉइल डायपर अपने साथ लेकर आई हो। लव कैन मेक यू डू स्ट्रेंज थिंग्स मालिनी, इवन मर्डर। थोड़ी थोड़ी कॉफी और हो जाए। कैसी कॉफी लोगी, कम खड़ूस या ज्यादा खड़ूस? आई गेस कम खड़ूस।